तिगांव से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित नागर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। रोहित नागर का बडौली गांव में शानदार स्वागत किया गया। बडौली गांव में जनसभा के दौरान रोहित नागर ने कहा कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। रोहित नागर ने दावा किया कि इस बार कांग्रेस 70 से ज्यादा सीट जीतेगी। साथ ही रोहित नागर ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के सभी वादों को पूरा करेगी। इस दौरान रोहित नागर बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। रोहित नागर ने कहा कि बीजेपी सिर्फ घोषणाएं करती है। देखिए, इस हरियाणा की जनता बदलाव की ओर देख रही है। इस हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 70 से ऊपर सीटें कांग्रेस पार्टी की आने जा रही है। आज मुझ जैसे युवा को जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का काम किया, राहुल जी ने कम से कम 15 से 20 युवाओं को हरियाणा में टिकट देने का काम किया है। क्योंकि आज जो युवा की बेरोजगारी का दर सबसे नंबर एक पे पहुँचा हुआ है, उस युवाओं के दुख को, उस दर्द को हम समझ सके, इसलिए मुझ जैसे युवाओं को आज मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भेजा ताकि मैं अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठा सकूं, मेरे क्षेत्र की जनता के युवाओं की आवाज़ उठा सकूं। सुनिए मेरी बात, भाजपा पार्टी केवल और केवल घोषणाएं करने का काम करती है, उन पर अमल नहीं करती। आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में जितना भी अपने मैनिफेस्टो में लाए उसको पूरा करने का काम करेगी, चाहे वो महिलाओं को 2000 रुपये से लेकर 500 रुपये सिलेंडर को लेकर हो, चाहे वो युवाओं की नौकरी को लेकर हो, सरकारी पदों को भरने को लेकर हो, चाहे वो बुढ़ापा विधवा पेंशन को 6000 करने को लेके हो, चाहे वो गरीबों को आप समझिए 3.5 लाख रुपए की लागत से 100 गज के प्लॉट को लेके 2 कमरे का मकान को लेकर हो, और चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, तो कांग्रेस पार्टी ने जितने भी वादे करे हैं उनको कांग्रेस पार्टी पूरा करने का काम करेगी, चाहे वो गरीबों का 25 लाख तक का मुफ्त इलाज को लेकर हो। तो कांग्रेस पार्टी अपने वादों पर खरा उतरती है, ना कि बीजेपी की पार्टी की पुलवामा भारतीय जुमला पार्टी।